जय हिंद साथियों, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के हमले में शहीद हुए हसी के निशांत मलिक शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। जवान को उनके पिता ने दी मुखाग्नि। इससे पहले शहीद जवान की शहर से गांव तक अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा को शहर से गांव तक पहुंचने में 3 घंटे लगे। शहीद निशांत मलिक का शनिवार को सुबह पार्थिव शरीर गांव ढंडेड़ी पहुंचा। जैसे ही तिरंगे में लिपटा हुआ शहीद का पार्थिव शरीर घर में पहुंचा तो माँ बाप और बहन उससे लिपट गए। यह दृश्य देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। इस दौरान लोगों ने शहीद निशांत मलिक अमर रहे के गगनभेदी नारे लगाए। सुबह 9 बजे से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। यह अंतिम यात्रा हसी से शुरू हुई थी, उनके गाँव तक निकाली गई। रास्ते में शहीद पर लोगों ने फूल बरसाए और भारत माता के जयकारे के नारे लगाए। शहर से 4 किलोमीटर दूर गांव तक पहुंचने के लिए अंतिम यात्रा को करीब 3 घंटे लगे। गांव के सरकारी स्कूल में निशांत मलिक के पार्थिव शरीर को लोगों को अंतिम दर्शन कराने के लिए रखा गया। पूरा गांव अपने सपूत के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। शहीद को गोट ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद आर्मी के जवानों ने शहीद के पिता को तिरंगा भेंट किया। तिरंगा भेंट करते ही शहीद की मां, बहन और पिता की आंखें भर गई। पिता ने तिरंगे को अपने माथे पर लगाया। इसके बाद करीब 1:10 को शहीद को मुखाग्नि दी गई। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद निशांत मलिक। भारत माता के वीर सपूत शहीद जवान निशांत मलिक को उनके इस अदम्य साहस के लिए मैं बारंबार नमन करता हूँ।